इंडिया का व्यापार चाइना से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हाल ही में हमने 2022 में टोटल ट्रेड को 1 ट्रिलियन पार कर दिया है। जहां भारत की जीडीपी ओनली 3.5 ट्रिलियन है, वहीं हम लोगों ने 1 ट्रिलियन का व्यापार चाइना से कर लिया है। और जितना भी सरकार इन चाइना पर प्रतिबंध लगा रही है, फिर भी उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल हम लोगों ने 34% ज्यादा इंपोर्ट किया है और 35% से कम एक्सपोर्ट किया है। और 2022 के 6 महीने के आंकड़े को देखें तो $57 बिलियन का हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, वहीं केवल $9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ये केवल 6 महीने का आंकड़ा है। देखिए, हम लोगों ने जो भी चाइना से इंपोर्ट किया है उससे कच्चा पदार्थ के रूप में एक्सपोर्ट किया है। जैसे पहले अंग्रेज इंडिया से कच्चा पदार्थ लेते थे और उसे महंगे सामान में बेचते थे, उसी तरह इंडिया ने मेडिकल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कम मटेरियल लेकर के और हमने प्रोडक्ट बना करके एक्सपोर्ट किया, जिससे भारत को ही फायदा हुआ। यदि भारत इसका विकल्प बना ले तो इस तरह के चाइना के इम्पोर्ट को बंद किया जा सकता है। जय हिंद।